बर्फ पर ऊष्मा का परिणाम। इस प्रयोग में हम ऊष्मा का बर्फ पर होने वाले परिणाम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और हम इसका आलेख भी बनाएंगे। इसके लिए हमें स्टैंड, तिपाई, कांच का बीकर, बर्फ, थर्मामीटर, स्पिरिट या दिया और बर्नर चाहिए। हम बर्फ के कुछ टुकड़े कांच के बीकर में लेंगे, उस बीकर को तिपाई पर रखेंगे और फिर उसे स्टैंड पर रखेंगे। हम थर्मामीटर को इस प्रकार रखेंगे कि उसका बल्ब बर्फ के टुकड़ों में पूरी तरह डूब जाए। अब बर्फ को स्पिरिट के दिए की सहायता से गर्म करना शुरू करें। बर्फ का तापमान नापें। थर्मामीटर से एक एक मिनट का तापमान नापें। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, वह रहता है 0 डिग्री जब तक पूरा बर्फ पिघलकर पानी न बन जाए। तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है 0 डिग्री से 10, 20, 30 इत्यादि, जब तक वह 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए हम उसे गर्म करते रहेंगे। जब पानी उबलने लगता है तब तक पानी का तापमान समान रहता है। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब पानी भाप में बदल जाता है। ये तापमान जब तक पानी की अंतिम बूंद भाप न बन जाए वही रहता है। बर्फ का पिघलना या उबलना शुरू हो जाने के बावजूद हम उसे गर्म करते रहेंगे और उसका तापमान रिकॉर्ड करते रहेंगे। हम समय और तापमान के आधार पर आलेख भी बनाएंगे। निरीक्षण, समय, तापमान डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ का पानी में और पानी का भाप में रूपांतरण होता है तब ऊष्मा अवशोषित हो जाती है।